Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTrix. Today we are going to solve questions related to quadrilaterals, and these questions are based on interior angle, some property of quadrilaterals. So before doing questions, let us know what is interior sum property. Interior angle sum property hoti kya hai? Pehle ye jaan lete. So in this section, we will learn about the important property related to interior of the quadrilateral and other polygon. So theorem is sum of angle of a quadrilateral is 360 or 4 right angle. Okay, jo quadrilateral hai, usme jo 4 angles hain, इनका सम होता है 360 डिग्री, और वी से 360 इज आल्सो नोन एज 4 राइट एंगल. राइट एंगल क्या कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है. सो 4 राइट एंगल इज नोन एज 360 डिग्री. सो इसको प्रूफ कर लेते हैं. लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल. उसकी एक डायगोनल बना लेते हैं. ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद, अब आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है, ये जो ये पूरा कंप्लीट एंगल है, इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दे रहा है, वन एंड टू. ऐसे ये पूरे कंप्लीट एंगल को भी ये टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दे रहा है, थ्री एंड फोर. ओके, सो हियर एंगल वन एंड टू इज इक्वल टू एंगल ए, दिस वन, एंड एंगल थ्री एंड फोर इज इक्वल टू एंगल सी. वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और हमें क्या पता है जो एंगल का सम होता है ट्राइंगल में वो होता है 180 डिग्री. सो दिस इज द ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ये देख रहे हैं आप. इसमें जो एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री. सो ये जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, इसमें भी एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अब इसको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमने एंगल वन प्लस फोर प्लस बी ये वाला प्लस टू प्लस थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180, दैट इज 360 डिग्री. सो ये आ गया हमारा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल ए. एंगल बी, ओके, फिर है थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस फोर इज एंगल सी, देन एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो बाय दिस वी गेट दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो इन दिस दैट थ्योरम बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली, देखो थ्री एंगल्स गिवन है आपको क्वाड्रिलेटरल के, 100, 98, 92. फाइंड द फोर्थ एंगल. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें थ्री एंगल्स गिवन है, दिस इज 100, दिस इज 98, दिस इज 92. वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन. अभी हमने पढ़ा था द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. सो लेट द मेजरमेंट ऑफ द फोर्थ एंगल बी एक्स, हमने फोर्थ एंगल मान लिया एक्स डिग्री. We know that the sum of angle of a quadrilateral is 360 degree. हमें क्या पता है जो sum of angles of a quadrilateral होता है वो 360 degree होता है, तो that means 100 plus 98 plus 92 plus x is equal to 360 degree. Okay? So इन तीनों को plus करके आ गया 290 plus x is equal to 360 degree. So अब इसे solve कर लेंगे, x is equal to, इसको इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 माइनस 290, और जिससे हमारा आंसर आ गया इक्वल टू 70 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 70 डिग्री. सो बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हम ऐसे एंगल्स जो हमें अननोन है, नहीं नोन है, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देयर आर थ्री, वन टू थ्री फोर, फोर क्वेश्चंस. सो सबसे पहला जो है शेप सी, अब फिगर फर्स्ट इज दिस, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फिगर, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है. देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स पॉलीगन है, फोर साइडेड, और जिसमें हमें थ्री साइड्स आर गिवन, हमें फोर्थ साइड फाइंड आउट करनी है, दैट इज एक्स. तो कैसे करेंगे,
We know that sum of interior angle of a quadrilateral is 360 degree. Okay. So 130 plus 120 plus x plus 50 is equal to 360 हो जाएगा. तो इन तीनों को ऐड करके आ गया 300. तो x plus 300 is equal to 360 degree. So यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x is equal to 360 minus 300. That is x is equal to 60 degree. ओके सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे जो एंगल है x उसकी वैल्यू आ गई 60. नाउ द सेकेंड वन देखिए, ये है x, ये है 90, ये है 70 एंड ये है 60. तो यहाँ पे भी हमें इस x को फाइंड आउट करना है. सी, अगर ये इसका एक्सटीरियर 90 है तो दैट मीन्स इंटीरियर में भी 90 होगा. ओके सो दिस वन इज 90 डिग्री. सिर्फ इसमें भी x फाइंड आउट करना है. सो हेयर ऑल्सो क्लियरली द एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री गिवन. सो ऐसे भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो एक्सटीरियर क्या दे रखा है, 90 डिग्री गिवन है, तो इंटीरियर हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो ये क्या है, दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं तो लीनियर एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी. दैट मीन्स 180 माइनस 90 इज इक्वल टू दिस वन. इसको मैंने नाम दे दिया वाई. सो 180 माइनस 90 इज 90. सो 90 डिग्री इज इक्वल टू वाई. तो अंदर का आ गया मेरा 90 डिग्री. अब हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना. सो ये आ गया हमारा 180 माइनस 90. सो सम ऑफ सिंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. So that means 90 plus 60 plus 70 plus x is equal to 360 degree. So in tino ko add karke we get 220 plus x is equal to 360 degree. Ab x ki value find out kar lenge. That means 360 ko hum subtract kar denge 220 se. So x is here 140 degree. So we find out the second figure value also. Second jo figure hai hamara, iski x ki value aa gayi hamari. We got it as 140 degree. Now the third one आपको दिख रहा है फिगर. यहाँ पे दो फाइंड आउट करने हैं, दोनों का मेजरमेंट सेम है. दैट मीन्स दोनों एक्स एक्स हैं, तो मतलब इक्वल होंगे. ओके सो से दिस वन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखो क्या चीजें हैं. We know that the sum of interior angle of a quadrilateral is 360 degree. So that means interior क्या हो गया, ये 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 हो गया. Okay? And see, this figure is of five-sided. 1, 2, 3, 4, 5. तो pentagon है. तो pentagon का sum of interior angle होता है 540. ये मैं पहले ही आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे हमें अलग अलग जो पॉलीगन शेप, अलग अलग शेप के पॉलीगन्स हैं अलग अलग साइड के, जैसे 5, 6, 7, 9, उनका कैसे हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके सो हियर दिस इज अ फाइव साइडेड फिगर. दैट मीन्स इसका इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 540. सो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन होना चाहिए हमें. दिस साइड इज गिवन. ओके फाइन, ये दो हमें फाइंड आउट करनी है, बट हमें ये दो भी तो नहीं पता, तो इन दोनों को भी हमें निकालना पड़ेगा. सो ये दो कैसे निकलेंगे. सी, दिस इज लीनियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी इसमें. देखो ये दोनों एक लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं ना एंगल्स, तो यहाँ पे ये वाला एंगल आ जाएगा. तो दैट मीन्स 180 माइनस 70 इज इक्वल टू ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा, दैट इज 110. और ये भी दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं. देखो ये एक लाइन है, इस पे आधा ये और आधा ये वाला, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. तो दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस इज आल्सो दैट डिग्रीज. सो ये भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे से फाइंड आउट हो जाएगा 120. सो हमारे ये दो एंगल्स आ गए. अब हम बाय द एंगल सम दैट इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से इन दोनों को निकाल लेंगे. ओके सो सी, यहाँ पे एक हमारा 110 आ गया था और दूसरा 120. सो सिंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540,
40, तो 110, 120 plus x plus 30 plus x is equal to 540. So, ये x plus x 2x आ गया और इन सब को add करके we get 260 is equal to 540. 2x is equal to 540 minus 260. तो इन दोनों को minus करके हमारे पास आ गया 280. So, 2x is equal to क्या आ गया 280. तो अब x निकालेंगे तो ये 2 इधर divide में आ जाएगा. तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 and 0. तो ये आ गया x is equal to 140 degree. Okay? तो यहाँ पे जो हमारे x की values हैं वो आ गई, this one is also equal to 140 and this one is also equal to 140 because दोनों ही equal है. Now the fourth figure, ये आपको जो figure दिख रहा है, देखिए कितने sided है, 1, 2, 3, 4, 5 sided है and हर एक angle का measurement x है, okay, इन सारे ही angle equal है. तो since 5 sided है, तो since the sum of measurement of pentagon is 540, तो x plus x plus x plus x is equal to 540. तो ये कितने x हैं? 5x हैं. तो ये हो जाएंगे 5x is equal to 540. तो इसको divide कर देंगे 540, ये 5 इधर आ जाएगा. तो 5 1 जा 5, 0 and 5 8 जा 40. So 108 degree is the x value. So, मतलब सारे ही जो हमारे 5 angles हैं pentagon में वो कितने के होंगे? 108 degree के. Okay? And these questions are from R.D. Sharma. Okay? This is the chapter number 16 of R.D. Sharma. Chapter name is Understanding Shape to Quadrilaterals. And topic you already know, it is based on interior angle sum property. Now the next question is, the adjacent figure, here is the figure, here x plus y plus z, is wale figure pe x plus y plus z find out karna, and in the second figure x plus y plus z plus w find out karna. So see the figure number 1, yahan pe aapko kya diya hai, since the sum of interior angle of a triangle is 180 degree, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो 90 प्लस एंगल ए बी सी, तो ये आ गया प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 120 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो आगे यहाँ पे वैल्यूज की 60 डिग्री. ओके, अब देखिए नाउ हमें क्या करना है, x, y और z फाइंड आउट करना है. तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, सी जो ये एंगल्स हैं ये कहाँ बन रही हैं, एक लाइन पे ही तो बन रही है दोनों. दिस इज द लाइन और ये इसको कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल एक लाइन पे ही बन रही है. दैट मीन्स लीनियर एंगल प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें. तो 180 माइनस जो इंटीरियर में एंगल है उसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारा बाहर का एंगल आ जाएगा. जैसे फर्स्ट में 180 माइनस अंदर क्या है 90, तो बाहर आ गया 180 माइनस 90 इज 90, तो x की वैल्यू आ गई 90. सिमिलरली दिस वन ये भी कंप्लीट 180 डिग्री हो गया, भी लाइन पे बन रही है, तो दिस विल बी ऑल्सो ये भी लीनियर एंगल वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा इसमें, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस 30. So this is also equal to 150 degree. Okay, so y z is equal to 150 degree. Z is equal to 150 degree and x is equal to 90 degree. अब क्या बचा हमारे पास, that y. ये हमारा कितना आया था, 60 degree आया था. Okay, तो 180 minus 60 is also equal to 120 डिग्री. तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई 120 डिग्री. सो ऐसे हम इन क्वेश्चंस के x, y, z को फाइंड आउट कर लिया. अब हमें क्या पता करना था, x प्लस y प्लस z. तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 प्लस y इज इक्वल टू 120 प्लस 120, z इज इक्वल टू 150 तो प्लस 150 सॉरी. सो बाय एडिंग 3 ऑफ दिस, 90 प्लस 120 plus 150 is equal to 360 degree. Now the next question is, here also we have to find out x plus y plus z plus w. ठीक है, तीनों ही बाहर हैं.
और अंदर हमें थ्री एंगल्स गिवन है, फोर्थ निकालेंगे बाय द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. दिस इज फोर साइडेड, सो इसमें आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. सो आ गया हमारा 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है इंटीरियर में, दैट इज एंगल S. सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 1 इन सबको ऐड करके वी गेट 260 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360. यहाँ से एंगल S की वैल्यू आ गई 360 माइनस 260, दैट इज 100 डिग्री. तो हमारे पास आ गया एंगल S इज इक्वल टू 100. अब यहाँ पे देखिए हमें X, Y, Z और W निकालना है. तो ये देख रहे होंगे आप, ये भी एक लाइन है जिसमें ये दो एंगल बन रहे हैं. दैट मीन्स ये भी लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड आउट हो सकते हैं. तो दैट मीन्स 180 माइनस 60 एंगल, दिस इज एंगल Z. तो 180 माइनस 60 तो 120 आ गया. तो एंगल Z इज इक्वल टू 120 डिग्री. नेक्स्ट इज एंगल Y. एंगल Y भी आ जाएगा हमारा 180 माइनस 80, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100. तो Y आ गया मेरा 100 डिग्री. ओके, अब बचा मेरा X. X भी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री. अब जो मेरा लास्ट बचा दैट इज W, और यहाँ पे हमारा ये आया था 100 डिग्री, सो दिस विल बी 180 माइनस 100, तो ये आ गया हमारा 80 डिग्री. तो हमारे सारे ही एंगल्स आ गए. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम. Y आ गया था हमारा 100, Z आ गया था 120, W इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड X इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो एडिंग फोर ऑफ दैम वी गेट 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द एंगल्स ए बी सी एंड डी आर इन द रेशियो. जो हमारे एंगल्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें जो एंगल्स हैं ये रेशियो में गिवन है 1:2:3:4. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रिलेटर. हर एक क्वाड्रिलेटर का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो डी इज इक्वल टू 1:2:3:4. तो एंगल ए क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया. तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. एंगल सी विल बी 3x और एंगल डी विल बी 4x रेशियो सॉरी डिग्री. बिकॉज इसमें रेशियोज गिवन थे इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गए. तो दैट मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो अब इनकी वैल्यू जो जो है रेशियो में हम वो पुट कर लेते हैं. दैट इज एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो यहाँ से आगे इन चारों को ऐड करके 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 10x x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री. दस द एंगल्स आर, अब x इज इक्वल टू 36 आ गया. तो एंगल A क्या था, x था. तो एंगल A आ गया 36. एंगल B क्या था, 2x था. तो दैट मीन्स 2:36. सो एंगल B इज इक्वल टू 72. एंगल C क्या था, 3x था. तो 3x मीन्स 3:36 इज इक्वल टू आ गया ये 108. एंगल D इज इक्वल टू 4x है. तो ये हो गया 4:36 इज इक्वल टू 144. सो अगर हमें रेशियोज में अगर कोई वैल्यूज गिवन हैं एंगल्स की, तो हम उसे ऐसे लेट करके एंगल्स की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 125 एंड 35. ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल है क्वाड्रिलेटर में जिनका मेजरमेंट क्या है, एक का 125 है दूसरे का 35 है. एंड द टू अदर आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है. अगर मैं ये x मानती हूँ तो दिस विल बी ऑल्सो x. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल. हमें जो इक्वल एंगल है इनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. सो सी
लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल लिया सच दैट एंगल ए गिवन है 125, बी इज गिवन 35 एंड एंगल सी एंड डी आर इक्वल. बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ए की वैल्यू है 125, बी की वैल्यू है 35, सी और डी इक्वल है तो सी की जगह पे भी सी रखा मैंने और डी की जगह पे भी सी. सो इट्स इक्वल टू 360 डिग्री. तो दैट मीन्स इन दोनों को प्लस किया तो 160 आ गया. तो ये आ गया 2c इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 2c इज इक्वल टू 360 माइनस 160 कर लेंगे. तो 2c की वैल्यू आ गई यहाँ से 360 माइनस 160 इज 200. तो यहाँ से c निकाल लेंगे, c इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा नीचे. तो 200 बाय 2 दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 200 तो 100 आ गई c की वैल्यू. तो C और D इक्वल है तो दैट मीन C इज इक्वल टू D. तो C और D की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 100. सिमिलरली एंगल D विल ऑल्सो इक्वल टू 100 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 आर इक्वल. दिस इज द क्वाड्रिलेटरल. ये एक एंगल मैंने अगर 180 डिग्री ले लिया है ओके तो अदर क्या है, इक्वल है. तो दैट मींस ये मैंने एक्स माना, ये भी एक्स हो जाएगा एंड दिस विल आल्सो बी एक्स. वी हैव टू फाइंड द 3 इक्वल एंगल्स अदर. सो ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू डी एंड फर्दर लेट ए बी सी इक्वल टू एंगल एक्स डिग्री. So by the angle sum property of quadrilateral, we have angle A plus B plus C plus D is equal to 360 degree. So A की value क्या है, 180 degree है. B की value क्या है, x. C की value क्या है, x. D की value क्या है, x. Is equal to 360 degree हो गया. तो 180 plus x plus x plus x क्या हो गया, 3x is equal to 360 degree. सो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 360 माइनस 180 डिग्री. सो 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री आ गया 252. तो 3x इज इक्वल टू 252. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x विल बी इक्वल टू 252 बाय 3. तो 3 वन जो 3, 3 एट जो 24 एंड 3 फोर जो 12. सो x इज इक्वल टू 84 डिग्री. X is equal to 84 degree means, hence the measures of each of the remaining 3 equal angles are 84. That is, angle B भी 84 है, angle C भी 84 है, angle D भी 84 है. Because तीनों ही क्या थे, X degree थे. Okay, X क्या आया हमारा, 84 degree आया. A, B, C, D is a regular pentagon. In this question, we have given a regular pentagon. The bisector of A, A angle ka bisector hai of the pentagon meets, jo CD line pe meet kar raha hai, that is M. Showing that, jahan pe hume kya show kar rahe hai, jo AMC hai. AMC, this angle is equal to 90 degree. ओके हमें ये शो करना है कि जो ये एंगल बन रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो सी हम इसे कैसे शो करते हैं. वी नो दैट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 108 डिग्री. ओके ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम इंटीरियर एंगल रेगुलर पेंटागन का, मतलब कोई भी पॉलीगन है उसको फाइंड आउट करते हैं. ओके So please go and check the previous video for this. Angle BAM is the half of ये क्या हो जाएगा, half हो जाएगा किसका, 180 degree का, 108 degree का. Because हर एक angle यहाँ पे बोला गया कि 108 degree है तो ये 108 degree का half हो जाएगा. Because ये complete angle था 108 का, उसको कट कर दिया गया तो हमने बोला
angle BAM is half of 108 degree, that is 54 degree. So हमारा जो BAM है, this is equal to 54 degree. Since the sum of angle of a quadrilateral is 360 degree, और जो सम है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का वो 360 होता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखिएगा, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. सो देयरफॉर इन दिस क्वाड्रिलेटरल बी ए एम प्लस ए बी सी, दिस प्लस बी ए एम, सॉरी बी सी एम प्लस ए एम सी इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब देखिए हमें इसमें क्या क्या गिवन है. दिस इज 54 डिग्री, ये 108 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट है. दिस इज आल्सो कंप्लीट, ये भी 108 डिग्री हो जाएगा. एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड दिस इज इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री. सो इन तीनों को ऐड करके वी गेट, हमारे पास आया, इसको ऐड करके दिस इज इक्वल टू, देखो 54 प्लस 108 प्लस 108 इज इक्वल टू 270. सो 270 प्लस एंगल ए एम सी इज इक्वल टू आ जाएगा 360. यहाँ से हम ए एंगल ए एम सी की वैल्यू निकालेंगे, ए एम सी इज इक्वल टू 360 माइनस 270. सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया. सो जो हमें प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव एंगल ए एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस हैज बीन प्रूफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल गिवन हियर, ए ओ एंड बी ओ आर बाइसेक्टर. ए ओ भी कट हो रहा है, बी ओ इज ऑल्सो कटिंग, तो ये दोनों बायसेक्टर हैं ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ प्लस सी प्लस डी. सो हियर वी हैव टू प्रूव एंगल बी ए बी ए ओ बी इज इक्वल टू, जो एंगल ए ओ बी हैं इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ सी प्लस डी, दोनों के सम का हाफ है ये वाला एंगल. ओके, सो सी कैसे फाइंड आउट होगा, एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है दिस वन, प्लस एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, 180 माइनस, या हम इस साइड भेज देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखो जो ये एंगल 1 है, दिस इज द हाफ ऑफ ए एंड एंगल बी इज हाफ ऑफ, सॉरी दिस एंगल 2 इज हाफ ऑफ बी. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, मैं हाफ कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी. सो ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 एंड ए प्लस बी. सी ए प्लस जो बी है हमारा, दिस इज इक्वल टू बाय द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 160 डिग्री होता है. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट, सॉरी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे एंगल ए प्लस बी की जगह पे क्या डाल दिया, दिस वैल्यू वी हैव पुट 360 माइनस एंगल सी प्लस डी. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस, अब देखो हाफ ऑफ 360 इज 180, तो एंगल यह आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 180 डिग्री प्लस, ये इसका भी तो हाफ है इन दोनों का, तो आ जाएगा प्लस हाफ एंगल सी प्लस डी. ओके, सो 180 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गए.
सो अब यहाँ पे से बचा क्या, हाफ एंगल सी प्लस डी, तो प्रूव हो गया कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी, एंड दिस ओनली वी हैव टू प्रूव इन द क्वेश्चन. सो वी हैव प्रूव दिस. ओके, दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, जो ये एंगल है, दिस एंगल इज द सम ऑफ हाफ ऑफ दिस टू एंगल. सो हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया, फर्स्टली हमने ये ट्राइंगल का यूज़ किया बाय द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की हेल्प से. हमने इन तीनों को इक्वल टू 180 प्रूव किया लिया. फिर हमने देखा कि जो ये है, एंगल वन इज़ हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल टू इज़ हाफ ऑफ एंगल बी. सो हमने इसके बाद हाफ कॉमन ले लिया. देन वी नो बाय द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या आया कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी प्लस डी. ये हमने सी प्लस डी में क्यों चेंज किया, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रूफ यही करना था सी प्लस डी, दैट्स वाई हमने इसको वी हैव चेंज दिस एंगल ए प्लस बी इंटू 3 प्लस डी. फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की, देन जो हाफ था वो पूरे में बाहर पे कॉमन था, दैट्स वाई ये वाले हाफ को 360 से जब कैंसिल आउट किया तो 180 डिग्री आ गया और एक बार यहाँ पे वन हाफ एंगल सी प्लस डी आएगा. सो 180 माइनस 180 गेट्स कैंसिल, जीरो आ गया. तो हमारे पास मिल गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर पेंटागन गिवन है एंड बायसेक्टर ऑफ सी, बायसेक्टर गिवन इज हियर बी ए ई. यहाँ पे एक बायसेक्टर है एम जो सी डी पे मीट कर रहा है. इफ बायसेक्टर बी सी डी, ये वाला जो बायसेक्टर है ये मीट कर रहा है ए एम पे जो है पी. ओके, हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी पी एम. दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. सी एम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 108 डिग्री. सो बी ए एम, बी ए एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 108, तो दैट इज 54 डिग्री. सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री इज देयर. तो देखिए कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे. हमने कौन सा क्वाड्रिलेटरल यूज़ किया, वी यूज द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम, दिस वन. ओके, सो वी हैव एंगल बी ए एम, दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है, this is 54, this is 108, this is also, this we have, we will find out and see, this one, ये क्या है, 108, BCM, this one, okay, तो ये हो गया हमारे पास, CM is equal to 360 degree. सो यहाँ पे से आ जाएगा सी एम की वैल्यू, दैट इज 90 डिग्री, सी एम ए ये वाली, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिंस सी पी इज द बायसेक्टर, सी पी किसका बायसेक्टर है, दिस सी पी इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी, इसका बायसेक्टर है ना. सो पी सी एम, पी सी एम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 54. तो देखो अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज एक ट्रायंगल बन रहा है. सो ट्रायंगल पी दैट, देखिए ये हमें ये मिल गया, दिस वी हैव, दिस आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस. ये एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे से आ जाएगा पी, सॉरी सी पी एम, ट्रायंगल सी पी एम, एंगल पी सी एम प्लस सी एम पी प्लस सी पी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दो, ये क्या आया मेरे पास, दिस इज 54 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री इज इक्वल टू सी पी एम. हम इसे निकाल लेंगे.
So here 54 plus 90 is equal to 144. So angle C PM is equal to आ गया हमारे पास 180 minus 144. So this is equal to 36. तो हमें क्या find out करना था? We have to find out CPM. This we have to find out and this is equal to 36 degree हमारा आ गया. So like this you can solve the questions of quadrilateral based on interior angle sum property. और इसमें कुछ जो properties use हुई हैं other than interior sum angle property we have already learned in the previous video, so you can go and check the playlist for that. For more such videos, please like, share and subscribe to Qtrix. And for further information, you can visit to our website, that is www.qtrix.in. And for more videos, please like, share and subscribe to Qtrix. Thank you and have a wonderful day.